चला इसको, चलेगा आपके साथ ही, है ना? हाँ सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जान वो घबराता है, ये बिल्कुल घबराया हुआ लग रहा है मुझे, लेकिन हम इसको चला रहे हैं। गायब भी कर सकते हैं, जैसे रश लगा वैसे गायब भी हो जाए। ये देखें, देखें आप, देख रहे हैं आप, ये देखें ₹3 लाख का है। वजन में कितना ही? ये वजन है। एक स्टॉल के यहाँ पर डेवलपमेंट चले, यहाँ पर एक VIP स्टॉल लग रहा है, तो हमने सोचा कि ना आपको दिखाया जाए। ये एक मेन शॉप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूँ आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद। और मैं हूँ आपका मेज़बान अनवर अली। तो व्यूअर्स, हम लोग लेकर आए हैं आप लोग को यहाँ पर नॉर्दर्न बाईपास की जो नई मंडी लगी है, यहाँ पर विज़िट करवाने जा रहे हैं। अच्छा, सुराबगोट में जो VIP कैटल फॉर्म लगते थे वो एक अलग जगह पे लगते थे, यानी ओपनिंग के साइट पर ही लगते थे। यहाँ पर हम आपको आज विज़िट करवाने जा रहे हैं जहाँ पर VIP स्टॉल की डेवलपमेंट चल रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर के VIP स्टॉल लगना शुरू हो गए हैं यहाँ पर, और सुराबगोट मंडी, सॉरी माजरत के साथ, नॉर्दर्न बाईपास मंडी में यहाँ पर बड़े बड़े जानवर हमें नज़र आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर तमाम के तमाम जो जानवर हैं वो हैवी जानवर हैं, चार दांत के जानवर हैं, वजनी जानवर हैं। तो आज हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा इसका सर्वे करवाया जाए, आपको दिखाया जाए कि यहाँ पर नॉर्दर्न बाईपास में VIP सेक्शन कैसा लगा है। तो यहाँ पर काफ़ी एक डिफरेंट लुक आया है, वैसे देख रहे हैं हम भी काफ़ी अलग लुक है, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी डेवलपमेंट चल रही है। उम्मीद तो ये 10 से 15 दिन के अंदर या 12 दिन के अंदर ये इंशाल्लाह कम्प्लीटली लग जाएगा। तो यहाँ पर लेके चलते हैं आपको, माशाल्लाह बड़े बड़े जानवर हैं इस दफ़ा, खूबसूरत जानवर और हैवी वेट के अंदर जानवर आए हैं। जेली आप क्या कहते हैं, जानवर कैसे आए हैं? जी जानवर तो बहुत अच्छे हैं इस बार, और काफ़ी हैवी वेट वाले जानवर हैं जो नज़र आ रहे हैं। गुलाबी गुलाबी भी आए हैं, कुछ वाइट हैं, कुछ वाइट और ब्लैक हैं, कुछ प्योर वाइट हैं, कुछ ब्लैक हैं जी। जैसे कि ये देख रहे हैं हम, ये लोग ये ऑस्ट्रेलियन, जी ऑस्ट्रेलियन देखें आप, माशाल्लाह कितना हैवी जानवर है ये। अच्छा, आपका अंदाज़ा क्या कहता है, ये कितने तक का होगा? ये जंज भाई होगा, हमारे अंदाज मेरे अंदाजे से ये होगा तकरीबन कोई 20-25 लाख। 20-25 लाख का होगा जी, क्योंकि ज़्यादा बहुत ज़्यादा वेट गेन किया हुआ है इसने, काफ़ी हैवी जानवर है। हाँ, इन्हीं कीमत क्या होंगे, 20-25-22। तो व्यूअर्स, एक बड़ा जानवर की रस्सी पकड़ते हैं, देखते हैं कौन सी नस्ल है। ऑस्ट्रेलियन नस्ल है। अच्छा, क्या कीमत है इसकी? कीमत अभी नहीं, कीमत नहीं पता। अच्छा, वज़न पता होगा इसका? आ जाओ, वज़न पता होगा इसका? ये नाराज़ लग रहा है मुझे जानवर आपसे। नाराज़ नहीं है ये, असल में जो है ना, जानवर की भी आपको पता है कि एक साइको होती है, जानवर किसी के साथ एडजस्ट नहीं होता। नए बंदे को देख के जानवर हमेशा घबराता है। जी जी बिल्कुल। अब आप चलाएं इसको, चलेगा आपके साथ ही, चलाएं। हाँ सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ना जानवर घबराता है, नया बंदा रस्सी पकड़ता है तो जानवर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। ये ऑस्ट्रेलियन है माशाल्लाह से, इसकी कीमत का इन्होंने बताया नहीं है, आपको पता नहीं है, टहलाने वाले हैं, देखभाल करने वाले हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे VIP सेक्शन के अंदर साहिवाल के जानवर भी आए हुए हैं। हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हमने मालूम किया, तो पता चला जनाब यहाँ पे साहिवाल की नस्ल के भी जानवर आए हुए हैं। तो आइए मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितने जानवर लेकर आ गए आप लोग यहाँ पर? माशाल्लाह 100 प्लस। 100 प्लस है माशाल्लाह। और कितने वजन के अंदर जानवर लेकर आए? तकरीबन 15 से 20 मन। 15 से 20 मन है। अच्छा, पहुँचे कब थे आप लोग? हम 2 दिन पहले पहुँचे। 2 दिन पहले पहुँचे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अभी काम चल रहा है, जानवरों को सेट कर रहे हैं। जी अभी तो तैयारी चल रही है। अभी तैयारी चल रही है। अच्छा, आप लोगों ने कीमतें भी नहीं बताई अभी? अभी माल एक हफ्ते बाद जाके सेट होगा। अच्छा, तो आप यहाँ पे जानवर को सेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर कीमतें बताएं इंशाल्लाह। फिर वैसे ये बताएं कि आपको क्या रहता है, मिनिमम कीमत कितनी है और मैक्सिमम कीमत कितनी है आपके फार्म की? तकरीबन 10 से 25 लाख रुपए मैक्सिमम। अच्छा, 10 लाख से स्टार्टिंग होती है आपके पास और 25 लाख तक कीमत जाती है। जी जी। अच्छा माशाल्लाह 100 प्लस जानवर लेकर आए। जी ठीक है, नाम बताइएगा अपना। मोहम्मद असलम। अच्छा, फ़ोन नंबर बता सकते हैं आप अपना? जी 0346-817-3336। अच्छा, मैं चाहूँगा आप अपने थोड़े से जानवर दिखा दें। अच्छे अच्छे खूबसूरत जानवर जो हमारे व्यूवर्स को दिखा दें। ये पानी पिला रहे हैं इनको, देखा हो? ये देखिए, ये जो पानी पिला रहे हैं ब्राउन वाला, माशाल्लाह। अच्छा, जानवर को पानी वानी पिलाया जा रहा है अभी, इनको सेट किया जा रहा है। इसकी कीमत कितनी होगी? ये तकरीबन होगा 9 लाख रुपये। 9 लाख रुपये का। वेट में कितना है ये? तकरीबन 12 मन होगा। 12 मन वजन है। हाँ। दांतों में कितना है? ये 4 है। अच्छा, आपके पास जितने भी जानवर हैं तमाम के तमाम 4 दांत में? नहीं, कुछ 2 में है, कुछ 4 में, कुछ 6 में, मुख्तलिफ कैटेगरी में। अच्छा, कुछ 2 दांत में, कुछ 4 दांत में, कुछ 6 दांत में। और ये जो देख रहे हैं? ये 4 दांत में। ये 4 दांत में। इसकी कीमत कितनी है? इसका है, मांग रहे हैं 18 लाख। इसके 18 लाख रुपये मांग रहे हैं। अच्छा, और ये जो 2 जो खड़े हैं उसका 15 लाख।
अच्छा, कोई जोड़ी लेना आता है तो आपने क्या माइंड बनाया है, जोड़ी में क्या डिस्काउंट देंगे, कोई ऑफर वगैरह देंगे अगर कोई जोड़ी लेता है तो उनको? जैसा जानवर वैसे पैसे, कोई डिस्काउंट वाली कोई बात नहीं। डिस्काउंट वाली कोई बात नहीं, बोले दो जानवर लें, तीन जानवर लें? हाँ जी जी, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह इस दफ़ा आप लोग भैंसे भी लेकर आए हैं, सफ़ेद पांडा। हाँ जी, दो जी दो पांडे लाए हैं, सफ़ेद कलर के गुलाबी होंठों में। अच्छा, तो इनकी डिमांड बढ़ रही थी तो आप लेकर आए पब्लिक की डिमांड पर। माशाल्लाह ये खूबसूरत है। अच्छा, तो ये बताएं क्या कीमत है इनकी? ये जोड़ी का 20 लाख। जोड़ी के 20 लाख रुपये। अच्छा, इनका वजन कितना कितना? ये तकरीबन 10-10 मन गोश्त ब्रीड है। अच्छा, दांतों में कितने हैं? दो दांत दोनों। अच्छा, दो दांत के अंदर है, ठीक है। और ये जोड़ी कितने में देंगे आप फाइनल? फाइनल 16-17 लाख। 16-17 लाख आपका इरादा है कि देंगे आप? वैसे बताने के 20 लाख रुपये जी। अच्छा, मुझे ये बताएं यहाँ पर अभी कस्टमर आ रहे हैं, कुछ रेट वेट मालूम कर रहे हैं कस्टमरों का रिक्वेस्ट तरफ? अभी तो कस्टमर आ रहे हैं लेकिन मज़ा लेने वाले हैं। अच्छा, यानी देखने वाले के लिए? देखने वाले ज़्यादा कस्टमर। हम लोग भी यहाँ पे, हमने कहा जरा व्यूवर्स को दिखाएं कि VIP यहाँ पे लग गए, जो लोग VIP में इंटरेस्टेड हैं तो वो VIP सेक्शन में आ जाएं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा मंडी के अंदर ये कौन सा एरिया है? ये सफायर। अच्छा, ब्लॉक है, ठीक है। यानी मंडी के जो एंट्रेंस है उसमें जो पहला गेट पड़ता है VIP को दिया, सफायर का है VIP को, ठीक है। अभी यहाँ पे कितने स्टॉल लगेंगे मस्जिद? अभी तो यहाँ 400 स्टॉल लगेंगे। अच्छा, 400 स्टॉल लगेंगे जी, जिसमें से हम एक स्टॉल के अंदर मौजूद हैं, उसमें 100+ जानवर हैं। जी जी, ऐसा ही, ठीक है। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों को आप? बस आते रहें, मज़ा लें कुर्बानी का, जानवरों के साथ खेलें, ठीक है। मैं भी ये कहना चाहूँगा व्यूअर्स, आप लोग आएँ जानवरों को देखें, माशाल्लाह इस दफ़ा जानवर बहुत अच्छे आए हैं। VIP सेक्शन में अगर आप लोग आएँ तो लाजमी विजिट करें, माशाल्लाह अच्छे खूबसूरत जानवर आए हैं। और हमारे अली साहब का सवाल ये है, इन्होंने 2 दांत का जानवर देखा और ये हैरान हुआ, कह रहे हैं ये अभी इतना बड़ा है और ये 2 दांत का, जब ये और मजीद बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा? जी वही मैं जैसे देख रहा हूँ, जिसे इसकी हाइट और वेट है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये जब बच्चा इतना बड़ा है तो बड़ा कितना बड़ा होगा। वही वाली बात है, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी को देखते हुए मैं कुछ कन्फ्यूज हूँ थोड़ा सा। असल में इनकी खिलाई पिलाई के ऊपर तवज्जो देनी पड़ती है, इनको देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, उसके बाद फिर ये वजन गेन करते हैं। जी जी, आगे चलते हैं, व्यूअर्स को दिखा दें। आइए व्यूअर्स, व्यूअर्स इसके अलावा एक चीज़ और बतानी, देखें एक स्टॉल की यहाँ पर डेवलपमेंट चली है, यहाँ पर एक VIP स्टॉल लग रहा है, तो हमने सोचा कि ना आपको दिखाया जाए। ये एक मेन शनाख्त है एंट्रेंस, जैसे आप करेंगे आपको ये नज़र आ जाएगा। सामने देखें आप लोग को नज़र आ रहा होगा ये गेट है, ये मंडी से एंटर होते ही हमें पहला गेट पड़ता है जिसको इन्होंने VIP सेक्शन बना दिया है, और यहाँ पर बड़े बड़े VIP स्टॉल हैं। अली ये क्या लग रहा है, ये कुछ स्टॉल लगता हुआ नजर आ रहा है? हाँ जी जहाज भाई, मुझे लग रहा है ये सूरती वालों का VIP स्टॉल लग रहा है। सूरती वालों का लग रहा है ना? अच्छा देखो, वहाँ जानवर भी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये जानवर। अच्छा, जानवर भी उतर रहे हैं यहाँ पे, अनलोड हो रहे हैं। सूरती वालों का सही कह रहा हूँ, क्योंकि सूरती वालों का कलर भी यही होता है जी, लेकिन काफी ज्यादा इसमें छोटा लगा है इन लोगों ने ना। हाँ हो सकता है शायद डिस्प्ले स्टॉल हो शायद, क्योंकि जानवर मुझे कम नजर आ रहे हैं, या हो सकता है ट्रक इनको और मजीद है। जी जी हो सकता है, उन्होंने अभी तक कोई बैनर नहीं लगाया कि हमें पता चले कि कौन सा स्टॉल है, लेकिन कलर से हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं। बिल्कुल, अब पता नहीं हमारा अंदाजा कितना सही है। वैसे हर साल ये कलर जो होता है सूरती वालों का कलर होता है ये ना। बिल्कुल, चलो हम मालूम करते हैं। बताएं कौन से फार्म के जानवर आ रहे हैं? ये फार्म के नहीं है, जैसे सिब्बी से आए हुए। अच्छा, सिब्बी से आए हैं। जी जी, तो किस नाम से लगेगा ये स्टॉल? ये गाजी खान के नाम से। गासी खान के नाम से लगेगा। अच्छा, पिछले साल लगता था ये सुराब बोर्ड में? हाँ बिल्कुल लगता था। अच्छा, कितने जानवर लेकर आए आप लोग यहाँ? 6 लेके आए। 6 जानवर लेकर आए। अभी मजीद और आ रहे हैं या फिर 6 ही जानवर हैं? नहीं नहीं, मजीद भी आएंगे हमारे, 6 हैं और दोस्त भी ले आएंगे। अच्छा, तो ये आप लोग आज ही पहुँचे यहाँ पर? जी अभी पहुँचे, अभी उतार रहे हैं, अभी देखे सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, तो सारे सिब्बी नस्ल के जानवर? जी जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारा अंदाजा थोड़ा सा गलत हो गया, कलर से हमने अंदाजा लगाया कि सूरती है, जबकि यहाँ पे पता चला कि अलगाजी फार्म के जानवर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर 6 जानवर लेकर आए। इनसे ये भी मालूम किया हमने कि जनाब और जानवर लाएंगे नहीं, तो कह रहे हैं अभी हम लोग पहुँचे यहाँ पर, 6 जानवर लेकर आए, मजीद हमारे ट्रक आ रहे हैं वो भी पहुँचे हैं, तो फिर यहाँ पे स्टॉल लगेगा। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि इतना छोटा तो सूरती कभी नहीं लगाता। हाँ, सूरती के बड़े लगते हैं, बड़ा स्टॉल लगता है सूरती का। तो इसके अलावा आपको पता है कि 2-3 सालों से सूरती वाले आ नहीं रहे मंडी के अंदर। अच्छा, हाँ ना, स्टॉल नहीं लगा रहे थे, और पिछले दफा हम लोग बादराबाद वगैरह की साइड पर गए थे विजिट करने के लिए। अच्छा, वहाँ पे लगा रहे थे। हाँ, डिस्प्ले के लिए एक आध दफा लाए, उसके अलावा बेचने के लिए तो नहीं लगा रहे। हाँ, मेरे ख्याल से पिछले साल भी यही होता कि डिस्प्ले के लिए ही लाए थे यहाँ पे, क्योंकि पहले शायद इनके जानवर सोल्ड आउट हो जाते हैं, कुछ यही होता है। चलिए अब देखते हैं, हम लोग भी मजा लेते हैं जानवर उतारने का। ये लोग जानवर उतार रहे हैं, थोड़ा एक दो शॉट बनाएंगे फिर चलेंगे। जी। तो व्यूअर्स इसके साथ साथ आप लोगों को बताता चलूं कि VIP सेक्शन के अंदर 10 से 15 ट्रक हमें नज़र आ चुके हैं, हमारी मौजूदगी में यहाँ पे 10 से 15 ट्रक आ चुके हैं, जिसके अंदर एक यहाँ पर ट्रक आया हुआ अलगाजी फार्म का, जिसकी अनलोडिंग अब आपको दिखाते हैं। देखते हैं सामने एक ट्रक वो जा रहा, ये भी आया हमारे सामने, एक वहाँ पर भी आया जाज भाई। हाँ, वहाँ पर वो भी खड़ा हुआ ट्रक आ रहा है, इसके पीछे जो निकल रहा ट्रक वो पहुँचा भी एक ट्रक। तो यहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है और जल्द से जल्द इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर ही रेडी हो जाएगा, क्योंकि अभी बकरीद भी करीब ही है ना, शायद एक महीने से भी कम वक्त रह गया। तो व्यूअर्स देख सकते हैं अनलोडिंग हो रही है, जानवर को उतारा जा रहा है, अलगाजी फार्म के कैटल को उतारा जा रहा है, अलगाजी कैटल फार्म भाई। देखें जैसे जानवर को उतार रहे हैं तो फौरन रश लग गया है। हाँ, यहाँ पे देखने वाले आते हैं, देखने वाले आ गए।
और बड़े प्यार से बड़े तरीके से उन्होंने जानवर को उतारा है। माशाल्लाह जानवर काफ़ी वजनी जानवर है, वजनी है, काफ़ी वजनी है। तरीके से इसको ले आ रहा है, ये इसके इस जानवर के सिंग हैं जी। अगर इससे गुस्सा आ गया तो यहाँ से रश गायब भी कर सकते हैं, जैसे रश लगा वैसे गायब भी हो जाए। ये देखें, देखें आप, देख रहे हैं आप, ये देखें, ये होता है ज़बरदस्त जम मारी जानवर, बहुत ज़बरदस्त जम मारी है। और देखें रश एकदम पीछे हो गया है ये देखें सारे पीछे हो गए, देखिए पीछे भाग गए, सब अपनी अपनी जान बचा के भाग गए, सब अपनी अपनी जान बचा के भाग गए। माशाल्लाह दूसरा जानवर उतार लिया इन्होंने अपने फार्म का। माशाल्लाह ये जानवर भी बड़ा खूबसूरत है जी। मैं देख रहा हूँ ट्रेनिंग करने में इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है जानवर को जी। जानवर से मैं ज़्यादा हैवी भी और इसका हाइट वगैरह भी बड़ा जानवर है ना, उस वजह से ट्रेनिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इनको ना। और ये लोग भी उतारते हैं, मैं देख रहा हूँ घबरा रहे हैं जी, हैवी जानवर है जानवर भाई, तो इसी वजह से डर रहे हैं, जिनका जानवर है वो खुद भी डर रहे हैं, खुद भी डर रहे हैं। ये देखें, देखें आप एक जानवर के साथ चार आदमी भी उतर, चार जानवर भी उतर रहे हैं, चार आदमी भी उतर रहे हैं जी जी, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए ये चार आदमी से कंट्रोल होगा, आप समझ ले ऐसा जानवर है। इस वाले जानवर के नाम झलक चेक करें जी। ज़्यादा मुझे लगता है इस ट्रक का सबसे हेवी जानवर यही है जो आ रहा है। हाँ वजन में तो अच्छा खासा है, वजन में भी देखें माशाल्लाह। तो व्यूअर्स आप लोगों को बताते चलूं कि ये जो बड़े जानवर होते हैं, बड़े कैटल होते हैं, इनकी लोडिंग और अनलोडिंग सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि देख सकते हैं कि चार चार आदमी मिलकर बड़े एहतियात से इनको उतार रहे हैं। इनका वजन ज़्यादा होता है, गिरने का भी खतरा होता है। छोटे जानवर का तो ये कि आसानी से चढ़ भी आता, उतर भी आता है, आसानी से आ जाता है। और देखो किस तरीके से लोग उतार रहे हैं, तीन तीन चार चार बंदे मिलकर, तो बड़े जानवरों को उतारना चैलेंज है जी जी, वाकई में चैलेंज है। उतारना भी चैलेंज है और उनको वापस ट्रक में चढ़ाना भी चैलेंज है। ये बात, ये भी बड़ा जानवर है जी, ये मेरे ख्याल से ये वाला है सबसे हैवी जानवर जी, ये वाला हैवी लगा, ये वाला सबसे हैवी जानवर है जी जी। और ये इस ट्रक का आखिरी जानवर है, ये देखा जाए जी अली, तो ये है इनका सबसे बड़ा जानवर। अच्छा एक चीज़ मैंने नोट करी, उतारते हुए कहाँ पर आता जानवर पूरा जी, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि सबसे बड़ा हैवी जानवर यही है। हाँ इसको देखे फौरन पानी वानी पिला के इसको रिलैक्स किया जा रहा है जी, घबराया हुआ लग रहा है मुझे, ज़्यादा घबराया तो उतरते हुए, असल में लोगों का हजूम था ना देख के डर। देखें माशाल्लाह इसकी हाइट देखें जानवर भाई, खड़े होना ये देखें मैं कहाँ आ रहा हूँ, इसकी हाइट देखें मैं कितना इससे छोटा लग रहा हूँ इस वक्त, माशाल्लाह बड़ा जानवर जी। चलें इसको, चल हम लोग मिल गए। हाँ चल चल, तो जैद भाई देखें जैसे हम इसको सबसे बड़ा जानवर है ये, होश में ये बिल्कुल घबराया हुआ लग रहा है मुझे, लेकिन हम इसको चला रहे तो यहाँ के व्यापारी ने बताया कि 36 घंटे का सफ़र किया हुआ जानवर तो थोड़ा घबराया हुआ, लेकिन जब ये होश आवाज़ में आएगा तो अभी हमें टहलाने में नहीं देगा जी, अभी तो घबराया हुआ, इसको पता ही नहीं इसको क्या हो रहा है। लेकिन माशाल्लाह बहुत बड़ा जानवर, बहुत बड़ा जानवर, मेरे ख्याल से कैटल फार्म की शान नहीं है जी जी जी। तो माशाल्लाह व्यूअर्स आप लोग को अलगाज़ी कैटल फार्म की अनलोडिंग दिखाई है, आइए आप दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ पे भी सर्वे करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ कि कैटल फार्म स्पीड से डेवलप होते जा रहे हैं और इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर ये कम्प्लीटली लग जाएंगे जी जी बिल्कुल जी। जनाब तो ये बताएं कितने जानवर लेकर आए और क्या कीमत है जानवरों की, स्टार्टिंग कहाँ से है, मिनिमम प्राइस कहाँ से है, मैक्सिमम 58 जानवर ले गया है। अच्छा हमारे 180 से लेकर 4.5 तक जानवर है। अच्छा 180 से स्टार्ट होते हैं 180,000 से और 4.5 लाख रुपए तक के डिमांड है। बिल्कुल बिल्कुल, और इंशाल्लाह जो भी आएगा हम उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। अच्छा सुनने में आया कि आप लोग हमारे व्यूअर्स को 30% डिस्काउंट दे रहे हैं जो हमारे रेफरेंस से आए। बिल्कुल आपके रेफरेंस से आएगा हम उसको 30% डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलें जानवर दिखा दें जी। जनाब इसका बताएं जानवर का, ये कर देंगे तो 3.5 से 3 तक कर देंगे डिस्काउंट के साथ इंशाल्लाह। अच्छा डिस्काउंट के साथ ही 3 लाख रुपए का है। वजन में कितना है ये? वजन है 5 मन के करीब है, 4.5 से 5 मन के दरमियान में। और दांतों में 2 अभी हुआ है। ये नस्ल कौन सी है? ये अपना चोलिस्तानी में है, मिक्स में है। चोलिस्तानी मिक्स में। हाँ जी
और इसके बराबर वाला ये अबलक बच्चा अपना पंजाब का है। अच्छा अबलक है ये, इसी कीमत ये कर देंगे इंशाल्लाह, जो भी है भाई आएगा उसके साथ अच्छा डिस्काउंट कर रहे हैं। आप मांग क्या रहे हैं इसके? इसके तो मांग रहे हैं भाई तकरीबन 280 के करीब करीब मांग रहे हैं। 280 के करीब करीब मांग रहे हैं आप। जी जी। दांतों में कितना है ये? अभी सारे दो दांत है मेरे, 58 जानवर है, सारे दो दांत है, सारे दो दांत, सारे दो। अच्छा वजन में कितना? ये वजन है तकरीबन 4 मन के करीब है। अच्छा जो आप वजन बता रहे हैं, आप लोग ये कांटा करके लाए हैं या अपने अंदाजे से बता रहे हैं? हमारे पास कांटा मौजूद है। अच्छा कांटा करके लाए हैं। और हमारे पास आप वेट बता रहे हैं, एग्जैक्टली यही वेट होगा? बिल्कुल वही होगा इंशाल्लाह। आप लेके चेक भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसका बताएं ये है भाई, इसके मांग रहे हैं तकरीबन 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए। ये नस्ल कौन सी और वजन कितना है? ये अपने पंजाब का एक नॉर्मल पंजाब का नस्ल है, अबलक में है। अच्छा अबलक में पंजाब की नस्ल। कीमत क्या है इसकी फाइनल? ये इंशाल्लाह कर लेंगे इंशाल्लाह, जो भी भाई आएगा ना उसके साथ हम कोऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह। मांगने वाले रेट क्या यार? अब इंशाल्लाह मांगने तो लोग बहुत बहुत पैसे भी मांग लेते हैं, लेकिन जो भी आएगा इंशाल्लाह उसके साथ हम बहुत अच्छा कोऑपरेट करेंगे। अच्छा इसकी कीमत बताएं मुझे। इस पे मांग रहे हैं भाई 380 मांग रहे हैं इसके। 380 मांग रहे हैं, इसमें आप कमी पेशी करेंगे? ज़रूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वजन में कितना ये वाला जानवर? ये वजन में है 5.5 मन से ऊपर है। 5.5 मन से ऊपर है, हाँ ठीक है। अच्छा इसका बताएं ब्राउन वाले का? ये साहिवाल नस्ल है। साहिवाल नस्ल? हाँ साहिवाल। इसका वजन कितना है? इसका वजन भी है तकरीबन हमारे पास जानवर तक 5.5 5.5 4.5 इस डिमांड में वजन में तकरीबन ऐसे ही हमारे जानवर है। अच्छा इसके रेट क्या है फाइनल? ये फाइनल हो जाएगा तकरीबन 2.90 से 2.3 तक हो जाएगा। 3 लाख में देंगे? हाँ, और इंशाल्लाह डिस्काउंट के साथ करेंगे जो भी भाई आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जो आप कीमतें बताने से मैं बता रहे हैं कि हमारे व्यूवर्स के लिए 30% डिस्काउंट है स्पेशल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अभी तक कोई जानवर बिका आप लोगों का? यार अभी हमें तकरीबन 2 घंटे हुए हैं अभी से आया है। अच्छा 2 घंटे हुए, आप लोग अभी पहुंचे हैं? अभी पहुंचे हैं, ये सारा जानवर अभी उतरा है। बिल्कुल हाँ, सारा जानवर यानी आज ही पहुंचा? हाँ ये अभी हैवी है, छोटे भी हैं और इंशाल्लाह जो भी। मजीद आप लोग के और जानवर आ रहे हैं अभी? यही जानवर? नहीं और जानवर भी इंशाल्लाह, कल तक गाड़ी पहुंच जाएगी। मजीद गाड़ी पहुंच जाएगी और मजीद जानवर आ जाएंगे हमारे पास। छोटे भी जानवर तकरीबन हमारे पास 1.60 तक का भी जानवर है। 1,60,000 का भी जानवर है हमारे पास है। ठीक है अपना नाम बता दें, फोन नंबर? मेरा नाम इजाज अहमद है। फोन नंबर क्या है? 0304-1892-779। चले हमारे व्यूअर्स कांटेक्ट करें तो कमी बेशी करेगा जो हो सके। ठीक है बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह। कितना खूबसूरत जानवर है जी माशाल्लाह। वैसी इनके जो हाइट होती है तो वैसी इसी नस्ल के जानवरों की हाइट अच्छी होती है, हाइट अच्छी होती है, इसमें ये होते हैं फेमस होते हैं। देखें माशाल्लाह ये वाइट वाला देखें, वो देखो उसको साफ़ कर रहे हैं, पानी वानी मार के उसको चमका रहे हैं बिल्कुल। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है। अच्छा भाई आपका क्या ख्याल है ये कितने तक के होंगे? होगा तकरीबन 30 तक होगा, 35 तक होगा, बताने के 50 तक बोलते हैं ये लोग, 50 तक, फिर ये कि कम करते करते 30-35 में। मुझे लग रहा है कि ये 50+ है जिस तरीके से ये इसकी हाइट देखें और इसकी झालर चेक करो ना, झालर ज़्यादा जी, और वेट देखें कैसे गेन किया हुआ है माशाल्लाह। ये वाला तो शायद 50+ लग रहा है मुझे जो, हाँ इसका वजन अच्छा खास है। इसके ऊपर भी इन्होंने शायद वो कुछ पहनाया हुआ भी था चादर वगैरह, तो शायद मुझे लगता है ये इस स्टॉल का VIP सबसे VIP जानवर कैटल यही है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? आप खैर? ठीक अल्लाह। चारा वारा खिला रहे हैं इसको आप? हाँ जी हाँ। अच्छा क्या कीमत के जानवर हैं यहाँ पर? हर कीमत के 10 लाख। ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला बताएं? 40 लाख का है। कितना? 40 लाख। 40 लाख का, और फाइनल कितने में देना है? फाइनल बिल्कुल 30 लाख में। बिल्कुल फाइनल 30 लाख के, देखें मैं अंदाजा कितना सही था, 30 लाख में देंगे एकदम से। अच्छा, 10 लाख नीचे आ गए। अच्छा ये बताएं दांतों में कितना है जानवर? 6 है। 6 दांत में, और वजन इसका? 35 मन। 35 मन इसका वजन है। और इसके बराबर में जो खड़ा हुआ अली इधर आइए, कौन से वाला? ये वाला, ये 4 दांत का। ये 4 दांत का, इसका वजन कितना? इसका वजन तकरीबन 25 मन है। इसकी कीमत कितनी है? 30 लाख। 30 लाख, और ये कितने में देना फाइनल? ये फाइनल 20 लाख में देना। फाइनल 20 लाख में। अच्छा जिसको आप खिला रहे हैं ये कितने का जानवर है? ये 20 लाख का। ये भी 20 लाख का। इसका वजन कितना है? इसका वजन 20 मन होगा। 20 मन इसका वजन है जी। दांतों में ये भी 4 है? 2 है। ये 2 दांत में जी है। अच्छा, और ये वाला जो बैठा हुआ ये भी 2 दांत का है। इसकी कीमत? इसकी कीमत 18 लाख। अच्छा ये बताएं आप लोगों के पास कम से कम कितनी कीमत का जानवर है? ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कीमत का? ज़्यादा 40 लाख का, कम से कम 5 लाख का है। कम से कम 5 लाख का। अच्छा ये बताएं कितने मन का जानवर है? वो तकरीबन है 8 मन का है। 8 मन का है और हाँ। 5 लाख कीमत है। हाँ। दांतों में 2 है? हाँ 2 है, 4 है। अच्छा 2 भी हैं और 4 भी हैं। अच्छा आपके पास सारे सिब्बी के? सारे सिब्बी के, सारे सिब्बी। अच्छा पहुँचे कब आप लोग यहाँ? तकरीबन 3 दिन हुए हैं। 3 दिन हुए कस्टमर आ रहे हैं यहाँ पर जी? खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। कोई जानवर बिका अभी तक? नहीं नहीं अभी तक नहीं, अभी तक कोई जानवर नहीं बिका। कोई नहीं बिका।
अच्छा, तो 3 दिन हो चुका है। आए कहाँ से आप लोग? सीपी डेरा मुराद से। अच्छा, और सफ़र कितने घंटे का था? तकरीबन 24 घंटे का सफ़र है। कितने लोग आए आप लोग? 12 लोग आए। अच्छा, 12 लोग आए जी। ठीक है, नाम क्या आपका? मोहम्मद नवाज। अच्छा, ये बताएं ये क्या कर रहे हैं आप, किस तरीके से खिला रहे हैं? चारा दे रहे हैं इसको। तो मतलब खुद से नहीं खा रहा है? खुद नहीं खाता है। खुद नहीं खाता, हाथ से देना पड़ता है। हाथ से खिलाना पड़ता है। तो जो लेके जाएगा वो तो नहीं खिला पाएगा ऐसे? वो उसकी मर्जी है यार। अच्छा, नहीं तो ऐसे तो कितना टाइम खिलाते हैं जी? हाँ पूछे क्या? ऐसे तो जानवर वीक भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे कोई हम कराची को शेरी लेके जाएगा वो तो नहीं खिला पाएगा। वो खिलाते हैं, जो सिप्पी लेता है ना उसको पता होता है ना। तो खुद से क्यों नहीं खाता है ये, इसकी मतलब खुद नहीं खाते है? खुद नहीं खाते सिप्पी वाले, बड़े होते हैं ना, खुद नहीं खाते है। अच्छा, ये खुद नहीं खाते, उनको खिलाना पड़ता है। और ऐसे आप जो खिलाते हैं दिन में कितनी दफ़ा खिलाते हैं? दो दफ़ा खिलाते हैं, एक सुबह एक शाम। सुबह और शाम जी। और कितना चारा खिला देते हैं इसको? तकरीबन इसको 10-15 किलो चारा है। 10-15 किलो खिलाते हैं जी। माशाल्लाह, चलें शुक्रिया बहुत। ठीक है, हम लोग देखते हैं आपके जानवर और देखते हैं। ठीक है, अल्लाह जी। अली, हम लोग यहाँ पहुँच गए। देखें, ये जो वो छोटे जानवर है जिसका वो बता रहे थे जी जी, मेरे ख्याल से ये वो जानवर हैं जो 5-5 लाख के हैं। हाँ, और जिनका वजन 8 मन है, किसी का 9 मन है। क्योंकि और हमने जो विजिट किया है पूरा, जो इनका ये लगा हुआ स्टॉल, उस पर सबसे छोटे यही है, तो यही शायद 5 लाख। बैक साइड पर उन्होंने छोटे जानवर रखे और फ्रंट पर उन्होंने बड़े जानवर रखे। अच्छा, इनमें कोई 2 दांत में, कोई 4 दांत में जी। देखिए, सारे माशाल्लाह सफेद से भी हैं जी। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं जानवर, सारे खूबसूरत हैं। तो व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम को पहुंच गया है, क्योंकि यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है और देख सकते हैं ट्रक आ रहे हैं यहाँ पर जी। जज्बे जैसे मुझे जब जितना टाइम हमें हुआ है यहाँ आए हुए, ट्रक आते ही जा रहे हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ ट्रक आते हैं एक के बाद दूसरा, एक के बाद कितने सारे ट्रक देख चुके हैं हम लोग, हमारे सामने आए। अच्छा, एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह लग जाएगा ये। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, और एटीएम वगैरह के भी सहूलियात के यहाँ पे चल रहे काम? जैसे जैसे मंडी लग रही है ना भाई, तो वैसे ही यहाँ पे एटीएम मशीन भी लगना शुरू हो गई है। एटीएम मशीन भी लगना शुरू हो गई है जी। ठीक है। अच्छा, सहूलियात के अंदर यहाँ पे वॉशरूम वगैरह का भी इंतजाम किया जा रहा है? जी जी, वॉशरूम वगैरह का जाहिर सी बात है इंतजाम तो करेंगे, क्योंकि कराची से इतनी दूर से लोग सफर कर यहाँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट करी अली जी जी, इस वीआईपी सेक्शन के अंदर कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है अभी तक। हाँ, अभी यहाँ पे आगे लगेंगे स्टॉल, जाहिर सी बात है लगाएंगे जी जी, क्योंकि जानवर अभी तो अनलोडिंग हो रहे हैं, यहाँ पे जानवर आ रहे हैं खाने पीने। हमें छोटे छोटे से ये केबिन टाइप नजर आ रहे हैं जो लगे हुए हैं या लगाए हैं, तो हो सकता है खाने पीने का इंतजाम के लिए भी स्टॉल वगैरह यहाँ लगे। एक बात और बताया था, चलो व्यूअर्स, यहाँ पे सब कुछ वीआईपी, आके उड़ती हुई जो मिट्टी है भी वीआईपी। आप लोग जब भी आए मास्क वेयर करके आए हो, कि मिट्टी बहुत ज़्यादा है, और हम लोग वो इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हैं जो हमारा मिट्टी से ख़राब ना हो, क्योंकि यहाँ के जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा डस्टी होता है। तो आप लोग मास्क से अपने फेस को पूरा कवर करके आएँ। हम लोग तो क्योंकि कवरेज कर रहे होते हैं तो हमें स्पीकिंग करना होता है, इस वजह से हम लोग मास्क नहीं लगाते हैं। तो व्यूअर्स, खासकर आप लोग के लिए आए थे यहाँ पर वीआईपी सेक्शन को कवर करने के लिए। यहाँ पर जितने भी वीआईपी सेक्शन थे अच्छे अच्छे, हमने उनको कवर करने की पूरी कोशिश करी। यहाँ पर जो कीमतें थी उनसे भी आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करी। अभी वीआईपी सेक्शन के अंदर काम चल रहा है, मज़ीद ये एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह मज़ीद डेवलप होगा और कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पर कंपटीशन होगा, जिसके बाइस हो सकता है हमें सस्ते जानवर मिल जाए कंपटीशन के। जी जी बिल्कुल, ये कंपटीशन तो जाहिर सी बातें लगाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से होता है कि जिसका सही होगा जानवर, रेट कम होंगे वही जानवर बिकता है। तो व्यूअर्स, ये था एक विजिट वीआईपी सेक्शन का। इंशाल्लाह फिर दोबारा भी आएंगे, वीआईपी सेक्शन से भी अपडेट करते रहेंगे, मंडी से भी अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए और अली को भी इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।